दोस्तों, जैसे भारत और पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा गर्म ही रहता है, वैसे टीवीएस रेडियन और स्प्लेंडर प्लस का भी मुद्दा हमेशा गर्म ही रहता है। लोग इन पर चर्चाएं करते रहते हैं कि स्प्लेंडर प्लस लें या फिर टीवीएस रेडियन लें। उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि इनकी प्राइस में समानता है दोस्तों। और ये चर्चाएं अब और तेज इसलिए हो गई हैं क्योंकि स्प्लेंडर प्लस अब एसेंट एडिशन में आ चुकी है और टीवीएस रेडियन भी लिमिटेड एडिशन में आ चुकी है। इसलिए कई कमेंट मेरे पास आए, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना देता हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने स्पेक्स को कंपेयर किया था, लेकिन आज मैं स्पेक्स के साथ कुछ तर्क के साथ आपको बताऊंगा कि आपको स्प्लेंडर प्लस लेनी चाहिए या फिर टीवीएस रेडियन लेनी चाहिए। बस बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जो लोग कंफ्यूज हैं स्प्लेंडर प्लस और रेडियन में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर की शुरुआत दोनों बाइकों के प्राइस से करते हैं, उसके बाद मैं आपको माइलेज बताऊंगा, फीचर्स बताऊंगा, स्पेक्स, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। और जब आप प्राइस, माइलेज, फीचर्स जान लेंगे तो इसी समय बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो प्राइस मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताऊंगा, ना कि एक्स शोरूम प्राइस। और उत्तर प्रदेश की मैं आपको प्राइस बताऊंगा दोस्तों। अगर मैं स्प्लेंडर प्लस 100cc BS6 की प्राइस की बात करूं तो ये आपको उत्तर प्रदेश में लगभग 77,700 रुपए ऑन रोड प्राइस में मिल सकती है दोस्तों। और अगर मैं टीवीएस रेडियो की प्राइस की बात करूं तो ये बाइक भी आपको लगभग 78,000 रुपए ऑन रोड प्राइस में मिल सकती है। हो सकता है कहीं पर आपको 500 या फिर 1,000 रुपए का प्राइस में अंतर देखने को मिल सकता है, या फिर दोनों ही बराबर ही रहेंगी। यहां पर स्प्लेंडर 100cc की बाइक है और टीवीएस रेडियन 110cc की बाइक है दोस्तों। अब हम अगर माइलेज की बात करें तो मैंने टीवीएस रेडियन की माइलेज चेक की हुई है, जिसमें इसने 78 की माइलेज दी थी सभी कंडीशन में। आप मानकर चलें 75 से 78 तक इसमें आपको माइलेज मिलेगी सभी कंडीशन को मिलाकर दोस्तों। वहीं स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो अभी मैंने माइलेज तो टेस्ट नहीं की हुई BS6 में, लेकिन आपको लगभग 75 से 80 तक की ये बाइक आपको माइलेज आराम से दे सकती है दोस्तों। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि माइलेज आपको स्प्लेंडर प्लस में थोड़ी बहुत, चाहे 2-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की, ज्यादा ही मिलेगी टीवीएस रेडियन से, क्योंकि ये 100cc की बाइक है, हीरो की स्प्लेंडर प्लस। तो यहां पर आपने माइलेज और प्राइस जान लिया। और दोस्तों, अब हम दोनों बाइकों के फीचर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम रेडियन की बात करते हैं तो ये 110cc की बाइक है। इसमें आपको पावरफुल इंजन, ज्यादा पिकअप मिल जाएगा, एक बेहतरीन डिजाइन मिल जाएगा, जिसमें कंपनी ने इसको प्रीमियम दिखने के लिए काफी अच्छे काम किए हैं, जैसे कि इसके वाइजर पर 3D लोगो, इसमें आपको LED DRL, टैंक पर भी 3D लोगो, टैंक पैड, लंबी सीट, ट्यूबलेस टायर, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाती है। स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो एक बेहतरीन डिजाइन, जो कि सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू, और मतलब कि इसमें भी आपको अब ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है, दोनों में ही फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। तो यही सारे इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं। अब अगर हम जैसे थोड़े से स्पेक्स को कंपेयर कर दें तो सबसे पहले हम इंजन की बात करते हैं स्प्लेंडर प्लस की। तो इस बाइक में लगाया गया है 97.2cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 7.91 HP की 8000 RPM पर, और 8.5 Nm की टॉर्क मिलती है 6000 RPM पर। इसमें आपको 50mm का बोर मिलता है और 49.5mm का स्ट्रोक मिलता है। 4 गियर इसमें आपको मिलते हैं। 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में स्प्लेंडर प्लस को 9 सेकंड लगते हैं दोस्तों। ब्रेक की बात करें तो आगे और पीछे 130mm की ड्रम ब्रेक है। टायर की बात करें तो आगे और पीछे 80/18 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस 165mm, सीट हाइट है 785mm, व्हील बेस है 1236mm और वजन 112 किलोग्राम, पेट्रोल टैंक 9.8 लीटर का लगाया गया है दोस्तों। रेडियन की बात करें तो इसमें 109.7cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 8.8 HP की 7350 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 8.7 Nm की 4500 RPM पर। इसका बोर है 53.5mm और स्ट्रोक है 48.8mm। इसमें आपको 4 गियर मिलते हैं और इस बाइक को टीवीएस रेडियन BS6 को 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में मात्र 8 सेकंड लगते हैं दोस्तों। ब्रेक की बात करें तो आगे 130mm की ड्रम ब्रेक है, पीछे 110mm की आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी टीवीएस रेडियन में। 2.75/18 का आगे ट्यूबलेस टायर, पीछे आपको 3.18 का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस 108mm, सीट हाइट है लगभग 800mm, व्हील बेस है 1265mm, वजन 116 किलोग्राम, पेट्रोल टैंक इसमें 10 लीटर का लगाया गया है दोस्तों। तो अब प्राइस, माइलेज, फीचर्स और स्पेक्स को बताने के बाद अब हम बात करते हैं कि कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। यहां पर दोस्तों स्प्लेंडर प्लस 100cc की बाइक है और टीवीएस रेडियन 110cc की बाइक है, लेकिन दोनों की प्राइस लगभग समान है, माइलेज भी लगभग समान है, सिर्फ 2 या 4 किलोमीटर का अंतर पड़ जाएगा दोस्तों। तो यहां पर ऑन पेपर देखा जाए तो प्राइस, माइलेज, फीचर्स और स्पेक्स के हिसाब से टीवीएस रेडियन बेस्ट है स्प्लेंडर प्लस से, लेकिन
अब सवाल उठता है कि जब बेस्ट है तो क्या सभी लोग रेडियोन ही खरीदेंगे, स्प्लेंडर प्लस कौन खरीदेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी प्राथमिकता, अगर आपकी जरूरत है कि आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा पिकअप चाहिए और साथ में आपको फीचर्स भी ज्यादा चाहिए उसी प्राइस रेंज में, तो आपको टीवीएस रेडियोन खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक स्प्लेंडर प्लस चाहिए, जिसमें उसकी सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू है, कितनी भी पुरानी हो जाए तुरंत ग्राहक मिल जाते हैं, तुरंत बिक जाती है और कहीं भी रिपेयर हो जाती है, चाहे ओरिजिनल पार्ट हो चाहे लोकल पार्ट हो, बाइक आपकी चलती रहती है, रुकती नहीं है। अब टीवीएस रेडियोन अभी जल्दी में आई है जबकि स्प्लेंडर प्लस अपनी मार्केट बना चुकी है। और आप लोग एक बात जानते हैं कि अगर आप किसी से पूछेंगे स्प्लेंडर वाले से कि आपने ये बाइक क्यों खरीदी है, तो वो यही कहेंगे पहले से यूज कर रहे हैं, सब लोग खरीद रहे हैं तो हमने भी खरीद लिया। कोई किसी के पास तथ्य कारण नहीं होता। अपने भारत में जो चीज बिकने लगती है वो बहुत ज्यादा बिकती है। तो यहां पर इस वीडियो का निष्कर्ष यही निकला कि ऑन पेपर प्राइस माइलेज फीचर और स्पेक्स के हिसाब से देखा जाए तो टीवीएस रेडियोन बेस्ट है। लेकिन अगर हम ब्रेक की बात करें दोस्तों, तो ब्रेकिंग में अगर आप ड्रम ब्रेक वाली दोनों बाइकों को कंपेयर करेंगे तो टीवीएस रेडियोन में ब्रेक उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेंगी जितनी आपको स्प्लेंडर प्लस में ब्रेकिंग मिलेगी। और एक चीज जो कोई नहीं बताता वो मैं आपको बताना चाहूंगा, टीवीएस रेडियोन में पिकअप पावर हर चीज आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन जब आप तीसरे या चौथे या दूसरे गियर में बाइक को डाउन करेंगे फिर आप उठाने लगेंगे तो ओवर स्क्वायर इंजन होने की वजह से वो हल्की से संघर्ष करती है, जबकि स्प्लेंडर प्लस में आपको स्क्वायर इंजन मिलता है, ये और ज्यादा बेटर चलती है। लेकिन पावर और पिकअप ये सारी चीजें ज्यादा रहेंगी, आपको तुरंत पिकअप मिलेगा, आपको ज्यादा मजा आएगा टीवीएस रेडियोन में। और टीवीएस रेडियोन लगभग 70 से 80 की स्पीड में पीछे बैठने वाले के पैरों में हल्की सी झंझनाहट, हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है। तो इस वीडियो का जो रिजल्ट निकला वो मैंने आपको बताया, पावर और माइलेज, पिकअप और कम पैसे में उसी प्राइस रेंज में 110 सीसी की बाइक आप चाहते हैं तो आपको रेडियोन लेनी चाहिए, नहीं तो आपको स्प्लेंडर प्लस, रीसेल वैल्यू, कहीं भी रिपेयर हो जाने वाली लोकल या जेन्युइन किसी भी पार्ट से रिपेयर हो जाने वाली बाइक चाहिए या स्प्लेंडर का भरोसा चाहिए, तो आप भरोसा दोनों में ही है। आप ये ना समझे कि मैं अन्यथा की बात कर रहा हूँ, भरोसेमंद दोनों ही बाइकें हैं क्योंकि उसमें स्टार सिटी का इंजन है और ये इंजन पहले से ही आ रहा है। तो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को राहुल वर्सेस मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे जो लोग कंफ्यूज हैं इन दोनों बाइकों में वो इन दोनों बाइकों को खरीद सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।